आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट कुलभूषण मन्हास ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ भाजपा को अपना लिया है, जिनके भाजपा में शामिल होने पर सुजानपुर हलका विधायक दिनेश सिंह पप्पू और पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल ने उनका खुले मन से स्वागत किया और ये उम्मीद भी जताई कि जल्द ही सांसद नवजोत सिंह सिद्धू भी भाजपा में लौटेंगे। बेसिकली बीजेपी लग जाते, लेकिन किसी कारण ये आम आदमी पार्टी च गए, लेकिन कुलभूषण मन्हास मेहनती व्यक्ति ने, बार एसोसिएशन प्रधान भी रहे और सुजानपुर जी खास करके कुलभूषण मन्हास एक अच्छे प्रवक्ता भी है। सुजानपुर के खास करके ना जी भारतीय जनता पार्टी को होर बल मिलना और खास करके जो पठानकोट जिला ना जी उस कुलभूषण मन्हास जी की अपनी एक पहचान है, इस करके इन्हों का भारतीय जनता पार्टी जाना, भारतीय जनता पार्टी वास्ते बड़े आने वाले समय 2002 चुनाव च बहुत फायदा होना। अज भारतीय जनता पार्टी जिला पठानकोट वालों साढ़े इस इलाके के सांसद श्रीमान सनी देओल जी के ऑफिस के अंदर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम के अंदर साढ़े एडवोकेट कुलभूषण मन्हास जी, जिन्हों ने पिछला इलैक्शन आम आदमी पार्टी के चिन्ह से विधानसभा का इलैक्शन लड़िया, वह अज भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी सदस्यता ग्रहण करते हुए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इस वास्ते अज सब लोगों ने उन्होंने इतने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कराई है। मैं उम्मीद करना कि कुलभूषण मन्हास जी दे आन दे नाल साडी पार्टी नूं होर बल मिलेगा और जिस तरह साडे आदरणीय मास्टर मोहनलाल जी ने, साडे विधायक दिनेश सिंह बब्बू जी ने कहा कि साडियां जिहड़ियां इतनों विधानसभा जिसका 22 दे विच इलैक्शन हो रहा है, कुलभूषण मन्हास जी दे आन नाल साडी तिन्नां सीटां नूं बल मिलेगा और असीं उम्मीद करदे हां कि कुलभूषण मन्हास बढ़ चढ़ के इस कार्य अपनी पार्टी के अंदर कार्य करते हुए तिन्नें सीटां असीं सब नूं रल मिल के जिताण च हक होईए, कामयाब होईए। तो मैं पार्टी के अंदर कुलभूषण मन्हास जी का बहुत बहुत स्वागत करता कि जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, धन्यवाद। जो मैं वकालत करके आया सीगा दिल्ली तो 97 तो, सब तो पहले मैं बीजेपी का सदस्य सीगा, एज ए स्टूडेंट भी बीजेपी के नाल जुड़े रहा और ब्लॉक समिति का चुनाव मैं इन सन 99 या 2000 च लड़िया सीगा, ते बिच मेरी इमेच्योरिटी मैं कह सकदा या होर कोई रीजनस रहे होंगे, मैं पार्टी छड़ती। तो 2017 चुनाव मैं आम आदमी पार्टी में लड़िया सीगा, दिनेश जी के खिलाफ लड़िया सीगा, लेकिन मैं सामने खड़े हैं, मैं नहीं कहता कि मूँह से मैं ऐसी गल कर रहा, लेकिन जो भी उस तो बावजूद ही मैं इन्होंने गल की, तो एज ए मैं छोटे ब्रदर ही ट्रीट किया, मतलब इन्हों की ट्रीटमेंट देख के या बीजेपी के जिन्हों के खिलाफ मैं बोलता रहा, मैं कई बार आप शर्मिंदा होंगे यार, मैं इस तरह बिलो की बैल्ट मैं हिट करता रहा और मेके इस तरीके बिहेव कर रहे हैं। एट प्रेजेंट बीजेपी ज्वाइन करने की गल हैगी है, मैं लगता कि जो देश का भविष्य हैगा वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हाथ से है, और जो एट प्रेजेंट जी चीज़ ने मैं सब तो ज़्यादा प्रभावित किया है वो जो किसान बिल जरा है, किसान बिल आने वाले समय च मील का पत्थर साबित होएगा। मैं गल तां कह रहा, मैं खुद एक किसान परिवार तो है, किसानों का शोषण जिस तरह होता रहा है और अनाज लिए बेचने या मंडियों लिए अनाज की वेस्टेज जिस तरह सब तशद्दत होती रही हैगी है, कि किसान बिल मील का पत्थर साबित होएगा और आने वाले समय से किसान बिल किसानों का भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल करेगा और देश किसानों के बल पर इस बिल के गलते और पूरी तरक्की करेगा।